हेलो गाइस, आज की वीडियो में बताने वाले हैं हम अपने वीवो के फ़ोन में जो एयरप्लेन मोड होता है उसको हम कैसे इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। तो एयरप्लेन मोड पर इनेबल एंड डिसेबल करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाने ना भूलें। तो बस वीडियो को हम सिंपली शुरू कर देते हैं। तो बस देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारे वीवो के फ़ोन की मोबाइल सेटिंग्स होती है उस सेटिंग्स को हमें ओपन कर लेना है। तो बस सिंपली हम सेटिंग्स ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। कई सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देते होंगे। तो कैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होता है नेटवर्क एंड इंटरनेट का। तो इस आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कैसे आपको इस तरीके से ऑप्शन शो होने के लग जाएंगे। तो इस आपको सिंपली यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन शो होता होगा एयरप्लेन मोड का। तो सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते जो हमारा एयरप्लेन मोड ऑप्शन होगा वो हमारा एनेबल हो जाएगा। और कैसे अगर इसको आपको डिसेबल करना है तो कैसे इसको आप इजीली डिसेबल भी कर सकते हो। सिंपली कैसे हम इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो कैसे हमारा डिसेबल भी हो जाता है। तो इस तरीके से अपने एयरप्लेन मोड को एनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं अपने वीवो के फ़ोन में। और कैसे अगर आपके पे डाटा सेल वगैरह को या फिर कहीं आपको इनेबल करना है तो कैसे कर सकते हैं। सिंपली हम जैसे डाटा सेल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शन शो हो जाएगा। तो सिंपली हम इस पैसे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कैसे हमारे डाटा सेल ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। और कैसे अगर इसको आपको डिसेल करना है, डिसेल भी आप इजीली कर सकते हो। सिंपली कैसे हमको क्या करना है, इस ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने से हमारा जो डाटा सेल ऑप्शन है हमारा डिसेल भी हो जाता है। और अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा को भी आप यहाँ से इजीली एनेबल एंड डिसेल कर सकते हो। कैसे यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे आइकन शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा ऑप्शन है उसको आप इनेबल कर सकते हो। तो ये यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू गाइस।